स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन आपने रीजन बतानी है, हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर तो स्टूडेंट्स इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास क्योंकि मोलैरिटी स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब से रिलेट करती है दैट इज वाई इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर वेयर एज स्टूडेंट्स आपके पास मोलैलिटी के केस में हम जस्ट मैथ ऑफ सॉल्वेंट से इन किलोग्राम डिपेंड कर रहे होते हैं इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास जो मुलालिट

क्यूब ऑफ वाटर विद हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में नॉट बी इक्वल वो इसलिए इक्वल नहीं होगा टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब के क्योंकि स्टूडेंट्स अगर वाटर और अल्कोहल आपस में इंटोमोलीकुलर इंटरेक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो उस केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो कम हो जाएगा दैन स्टूडेंट्स आपके पास है वन मोर सोलूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज डैलूट एज कम्पेयर टू वन मोलर सोलूशन ऑफ यूरिया बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेम तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपके पास बेशक मुलैरिटी आपस में सेम हो लेकिन आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि मैसेज डिफरेंट होंगे अब स्टूडेंट्स आपके पास वन मोलर सोल्यूशन की जब हम बात करें तो वो डायल्यूट इसलिए क्योंकि हम वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट से डील करें जबकि स्टूडेंट्स हम जब मोलर सोलूशन से डील करें तो आपके पास वन मोल जो है वो प्रेजेंट होता है डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोलूशन से हम डील करें इट कि आपके पास वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन से आप उसको कंपेयर करें जो कि लेस है इन क्वानिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया देन स्टूडेंट्स आपके पास है नॉन आइडियल सोलूशन डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ तो स्टूडेंट्स आपने वो तमाम फैक्टर्स डिस्कस कर लेने हैं, जो कि आपको बता रहे होते हैं कि कैसे आपके पास नॉन आइडियलिटी से कैसे

H2SO4 की उसका जो वॉल्यूम है वो होता है। pressure, है है पास ऑफ वेपर प्रेशर क्योंकि डिपेंड करती मोल फ्रैक्शन ऑफ से तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उससे रिलेट कर रही है वॉल्यूम से नहीं तो इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता ये स्टूडेंट्स आपने रिलेट किया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को टू द मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर से क्यों इंडिपेंडेंट है तो स्टूडेंट्स उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्योंकि वो डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे नहीं कर रही है इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देन स्टूडेंट्स आपने इसी तरह जैसे हमने डिस्कस किया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से डिपेंड करती हैं आ इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन इंटरफेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल दस प्रॉपर्टीज़ आर नॉट ओबेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देन स्टूडेंट्स आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन Lowers the evaporating tendency of the solvent in. द सोल्यूशन टू हाई एक्सटेंट यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जैसे जैसे आप सोलूट बहुत ज़्यादा एड करते जाते हैं यानी कि स्टूडेंट्स आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पर बहुत ज़्यादा एक्सपोनशली जो है उससे अफक्ट हो रही होती है यानी कि स्टूडेंट्स उसको फिर आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बेस पर डिस्कस नहीं कर सकते बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस डिस्कस किया था वॉल्यूम की केस में द स्टूडेंट्स आपके पास बहुत वन मोलर एंड वन मोलर में वन मोल ऑफ सोल्यूट है दे आर फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमे द सेम वे आर स्टूडेंट्स आपके पास जो वन मोलर सोलूशन होगा वो डायलूट होगा देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को डिस्कस कर लेते हैं कि वट आर नॉन आइडियल सोलूशन डिस्कस देयर टाइप्स एंड गिव थ्री एग्जाम्पल्स फॉर ईच तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है नॉन आइडियल सोलूशन को डिस्कस करना है एंड देन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इसकी केस में वो सोलूशन जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेवियशन दिए थे राउट्स लॉ की केस में तो so, स्टूडेंट्स आप उन उनकी एग्जाम्पल्स को भी आप मैंशन कर सकते हैं तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा दूसरा स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि राउट्स लॉ से नॉन आइडियल सोलूशन को आपने कंपेयर करना है कि वो किस तरह से आइडियलिटी से डेविएट करते हैं देन स्टूडेंट्स आपके

कि जो पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हो नेगेटिव डेवियशन लेकिन स्टूडेंट्स फिर इस केस में आपको वो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास राउल्स लॉ में आपने मैंशन किया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास ये जो टॉपिक मेस्टर के अंदर जो हमने पर्टिकुलरली ग्राफ डिस्कस किया था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए फिर आप वो भी ड्रॉ करेंगे तब स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई होगा देन मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर एट ए है एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जस्टिफाई द टू कर्व्स व्हेन कंपोजिशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलूशन यानी कि स्टूडेंट्स हमने जो कर्व डिस्कस किया था कंपोजिशन का अगेंस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसको आप डिस्कस करेंगे देन स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि आप आइडियल सोल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं उसमें स्टूडेंट्स आप वही ए और बी की एग्जाम्पल ले लेंगे और आपने स्टूडेंट्स वही जो ग्राफ जो आपकी बुक में मैंशनड है आप वो प्लॉट करेंगे जिसको हमने कंसेप्चुअल वीडियोज में भी डिस्कस किया था तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जो हमारी हमारा क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा उसकी एप्लीकेशन

वो जो दोनों कंपोजिशन होंगी वो एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगी द स सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन आर नॉन आइडियल हैंस दे कैन नॉट बी फ्रैक्शनली डिस्टल एट देअर स्पेसिफिक कंपोजिशन यानी कि स्टूडेंट्स हम इस मकसद से उनको फ्रैक्शनली डिस्टिल नहीं कर सकते कि वो अपनी नॉर्मल कंपोजिशन के अंदर या अपनी कंपोनेंट कंपोजिशन के अंदर हमें वापस मिल जाएंगे द लिक्विड मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर स्टेट आर कॉल एज एज़ योर टॉपिक मिक्सचर यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो सोल्यूशन में जो कम्पोजिशन दे रही हैं वो बॉलिंग पॉइंट भी क्योंकि डिफरेंट दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास वो वेपर स्टेट में भी या डिस्टिलेट में भी वही कंपोजिशन दे

वाले सोलूशन का और देन स्टूडेंट्स आप उसकी एक एक एग्जाम्पल भी मैंशन करेंगे और उसके लिए ग्राफ भी प्लॉट करेंगे और स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जो ग्राफ के पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनको आपने डिस्कस कर बेशक आप बहुत ज्यादा थॉरली डिस्कस ना करें उसका आप जब कॉन्सेप्ट दे, दे देंगे टू 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 थ्री लाइन्स के अंदर तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने नेगेटिव डेविएशन को और उनकी जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल होती है उसको आपने बता देना है स्टूडेंट्स आपके पास आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट बी है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिन वाटर सिस्टम स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इस केस में आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा पार्शली मिसेबल लिक्विड्स को डिफाइन करेंगे सिस्टम में स्टूडेंट्स जब आप डिस्कस कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स आपने दो तीन चीजें याद रखनी है कि आप स्टेप वाइज चलेंगे हेडिंग्स बनाएंगे हर स्टेप के लिए स्टूडेंट्स इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आपको क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जो है या अपर कंसलेट टेंपरेचर वो स्टूडेंट्स आपको दोनों नाम पता होने चाहिए कि क्या होते हैं आपको टेम्परेचर अच्छी तरह याद

प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? उनको देखेंगे दिस क्वालिगेटिव क्यों है कॉलिगेटिव से मुराद स्टूडेंट्स आपके पास नंबर है यानी किल्स नॉट ऑन देर से बी के एफ वैल्यूज सॉल्वेंट्सिफिकेंस ऑफ के बी एंड के एफ वैल्यूज ऑफ सॉल्वेंटूडेंट्स और के बी को डिफाइन कर देना है और उसमें आप ये बता रहे होंगे करेंगे आपने इनके नेम्स मैंने उसके अलावा आप ये बता देंगे कि ये आपके पास जो है ना एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट के लिए है देन स्टूडेंट्स आप ये बता देंगे कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने बेसिकली आपने इनके यूनिट्स बताने हैं इनका एक्सप्रेशन भी आप मैंशन करेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इनकी एप्लीकेशन लाजमी बताएंगे कि इनकी एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको पता है एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट का और आपको नहीं पता कि आप किस कंपाउंड के साथ डील कर रहे हैं तो आप मोलिकुलर मैस जो है वो भी इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डू यू एक्सप्लें दैट द लोअरंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हाउ डू वी मेजर द मोलर मैस ऑफ अ नॉन वोटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन अ वोटाइल सॉलवेंट तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप डिफाइन करेंगे साथ स्टूडेंट्स हमने जो डायग्राम डिस्कस की थी वो 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 आप पेन से उसमें ड्रा कर देंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट अच्छा है वो ज़्यादा क्लियर हो स्टूडेंट्स इससे आपके क्वेश्चन पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है दैन स्टूडेंट्स जब आप एक्सप्लें करने जाएंगे आप क्या करेंगे आपने जस्ट वो फॉमूला डिराइव करना है जिसके थ्रू आपके पास वो फॉर्मूला ऑन पेपर आ जाए जिसके थ्रू आप क्या करेंगे कि आपके पास मोलर मैथ कैलकुलेट करने का मेथड आ जाए कि आपने किस तरह से फॉर्मूला को ओरियंट करना है तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर ऑफ सॉल्यूट ताकि स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो इक्वली जस्टिफिएबल हो थैंक यू